वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है और इस बैकग्राउंड को 10 से 15 सेकेंड तक कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पे आना है, जो भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। ट्रिम टू राइट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, इसे आपको फुल साइज कर देना है। वीडियो आपका फुल साइज में हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, जहाँ जहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो दिख रहा है वहाँ पर आपको सिर्फ अपना फोटो लगा सकते हैं या फिर वीडियो भी लगा सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मैं एक बार प्ले कर ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका वीडियो लगाना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने वीडियो को शूट कर रखा हूँ तो वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया है। अब जहाँ तहाँ तक देख सकते हैं, अब यहाँ तक जैसे ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट है, ग्रीन स्क्रीन प्ले किया, यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन खत्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। इसके बाद इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसे हमें फुल साइज कर देना है। वीडियो पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। और इस ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और सिर्फ आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फिर से आप देख सकते हैं जैसे कुछ इस तरह से आया और यहाँ पर फिर से आपको ग्रीन ब्लैक कलर दिख रहा है। आपको फिर से यहाँ पर वीडियो लगाना है खुद का। इसके बाद फिर से एक्स्ट्रा जो पार्ट है इस वीडियो में, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आता हूँ और जहाँ तक ब्लैक आपको दिख रहा है वहाँ तक वीडियो लेकर आना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। फिर से वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे फुल साइज कर देंगे। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे हमें सेंड टू बैक कर देना है। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। फिर से वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है और देख सकते हैं यहाँ पे 9.1 या फिर से यहाँ पे खुद का वीडियो लेकर आना है। तब देख सकते हो, फिर से मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, कुछ इस तरह से हमारा वीडियो देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर सेकेंड वीडियो को लेकर आता हूँ जो मैंने शूट किया हूँ। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। जो हमने वीडियो शूट कर रखे थे उस वीडियो को फिर से सेलेक्ट किया हूँ और यहाँ तक जो देख सकते हैं आप, यहाँ में जो ब्लैक तक दिख रहा है ब्लैक तक हमें लेकर आना है या फिर लास्ट तक भी लेकर आ सकते हैं। और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल साइज कर देना है। वीडियो पे क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना है। आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अब आपका जो वीडियो हो, इस वीडियो में जो ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। ये वीडियो फिलहाल में टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसके बाद सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ करना है। और इसके बाद यदि आप वीडियो का अपने वीडियो का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो सिंपल आपको वीडियो कलर पर क्लिक करना है, कलर फिल्टर पर आना है और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखने में, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा हो, उसी वीडियो का साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है जो